Hey guys, कैसे आप सब? मैं दीप छात्रा आ गया एक नया वीडियो लेके। तो आज का एक टॉपिक है, आप बोले तो सीखने का कुछ चीज नहीं है, एक चोरी का चीज है। तो कभी कभी चोरी भी काम आता है, कहाँ काम आता है, आपके पास टाइम नहीं होता है, एक अर्जेंट प्रोजेक्ट देना होता है, तो तब थोड़ा इधर उधर से चोरी करके आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो तब काम आता है। तो एक चोरी का चीज सीखा रहा हूँ, मांगता हूँ पहले से एक माफी मांग लेता हूँ। तो चलिए, क्या सिखाने वाले? आज सिखाएंगे कैसे पेड वेबसाइट, एक प्रीमियम वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। थीम फॉरेस्ट, थीम मॉन्स्टर, ये सब जो पेड वेबसाइट सेल करने का वेबसाइट है, वहाँ से आप कैसे थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, एच टी ट्रैक कॉपर, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इससे आप कोई भी, मतलब हम 100% नहीं बोल रहा है, वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड नहीं होगा इससे, एंड पीएचपी फाइल भी डाउनलोड नहीं होगा। जो एचटीएमएल फाइल है, बेसिक एचटीएमएल जो फाइल होता है, प्योर एचटीएमएल फाइल, वो आप आसानी से पूरा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज एक डाउनलोड कैसे करते हैं दिखाते हैं हम। तो पहले ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा, वेबसाइट का लिंक, हम सॉफ्टवेयर का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लीज चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए वहां से। तो पहले नेक्स्ट करेंगे, देन प्रोजेक्ट नेम देना पड़ेगा। तो हम एक वो वेबसाइट के नाम हम देख रहे हैं, उस वेबसाइट का नाम था कोबे का एक वेबसाइट है। ये बहुत आसान, मतलब बहुत HTML अगर हम ढूंढने जाए ना, तो HTML वेबसाइट तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो एक कोबे का हम जानते हैं HTML वेबसाइट है, तो चलते इससे कोबे। हम फाइल कहाँ सेव करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, डेस्कटॉप एक फोल्डर, यहाँ से फोल्डर पहले से बना लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट डाउनलोड फोल्डर बना लिया, ठीक है। तो रिफ्रेश दे रहा है, तो देखिए डेस्कटॉप के अंदर वेबसाइट डाउनलोड बोल के कुछ है कि नहीं, वेबसाइट आ गया, लेकिन वेबसाइट डाउनलोड फिर हम कैंसिल कर रहे हैं। दिन जा रहा है डेस्कटॉप, दिस पीसी डेस्कटॉप पे गया, वेबसाइट डाउनलोड, ठीक है, चेक की कर दिया। देन नेक्स्ट, देन वेबसाइट का जो लिंक है मेरे पास, गूगल पे जाएंगे, गूगल यहाँ पे थीम फॉरेस्ट लिखेंगे, थीम फॉरेस्ट HTML वेबसाइट गया, सॉरी ये नहीं, हम HTML थीम यहाँ पे जा रहे हैं, HTML थीम्स एंड टेम्पलेट पे, वेब टेम्पलेट पे जाके सर्च करते कोबे, ठीक है। एक हम जानते हैं HTML वेबसाइट है, हम यूज किए एक दो बार, तो डाउनलोड करते मल्टी स्टोर रिस्पॉन्सिव थीम, देखिए लाइव। पहले एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो रिमूव फ्रेम है, इसको फ्रेम को रिमूव करना पड़ेगा पहले। देन जो एक डेमो पे क्लिक करना है, इसके अंदर देखिए चार पांच डेमो है, चार पांच दस जितना भी डेमो होगा, आप किसी एक पे क्लिक कीजिए, देखिए डेमो है, ठीक है, किसी एक पे क्लिक कीजिए एंड उसका लिंक लीजिए, ओनली उसका ही लिंक लीजिए। आप यहाँ से लिंक मत लीजिए, किसी एक डेमो पे क्लिक करके उसका लिंक लीजिए, लेके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। आप देखिए, देख रही है डाउनलोड हो रहा है, आपका जितना बड़ा साइट होगा उतना टाइम लगेगा। तो अभी हम थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहे हैं, देन डाउनलोड होने के बाद आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज वेट कीजिए। तो आ गए, मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। तो चलिए वेबसाइट डाउनलोड पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, देन कोबे, देन यहाँ पे देखिए पूरा जो आपका HTML फोल्डर था, जितना पेज था और जितना भी डेमो था, देखिए 1 2 3 4 डेमो था, चार डेमो ही
हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेमो ओपन कर रहे हैं हम। देखिए पूरा सेम टू सेम आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, आप मिला के भी देख सकते हैं, पूरा सेम टू सेम डाउनलोड हो गया। लेकिन थोड़ा एक काम आपको करना पड़ेगा, फाइल एडिट करने पे एक कोड आपको डिलीट करना पड़ेगा। कौन सा कोड देख रहा हूँ हम यहाँ पे, ये जो देखिए कमेंट किया है हेडर पे, कमेंट किया एक कोड है, इसको आप रिमूव कर दीजिए हेडर पे। एंड फुटर में भी एक है, फुटर में भी एक कोड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमूव कर दीजिएगा, रिमूव करके यूज करिए। एंड और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ रहता है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ रहता है, प्लीज वो सब आप एक बार चेक कर लीजिए, चेक करके रिमूव करके आप फ्रेश HTML है एक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना तक, एक नया वीडियो बना लिया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट कर दीजिए, थैंक यू। तो चलिए आएंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो।